अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, फिर आज का मज़ार वीडियो करते हैं जी शुरू। आज जिस घर में मैं मौजूद हूँ आपको मैंने नहीं बताया हुआ था, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं यहीं पर आके वीडियो बनाई है। तो अभी चलेंगे ना घर, तो तब रास्ते में बनाते जाएँगे तभी डिसाइड करें मैं कहाँ पे आऊँगा। यह तो भी आपने पहले भी जगह देखी होगी, यहीं पे मैं भी लोग स्टार्ट करता हूँ, तो कमरा खाली है तो इसलिए ना ये चेक करें। मेरी आवाज़ डबल डबल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम भैया, की हाल है, ठीक हो? ठीक है। बंदे से तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं भाई सब ननिहाल में मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे अपने ये लेने थे तो ये लेने के लिए आए हैं। तो भाई फिर घर चलते हैं, शाम से पहले पहले घर जाना है क्योंकि शाम होगी ना फिर मसला बनेगा, ये पास होंगे ना ऐसे ही ना भाई। तो अभी घर जल्दी से जाना है तो मैंने कहा इससे मिल लूँ। और तो सारे कामों में निकले हुए हैं, कोई वीडियो नहीं साथ बनाता, सारे अपने अपने काम में चले गए हैं, जो जिनका काम है वो करने के लिए जा चले गए हैं। ये आज स्कूल को छुट्टी और यहीं पर हैं, तो मैंने भी कल स्कूल जाना था इसलिए हम आज ही आए थे। मेरे यानी नहीं कहा हम कल चलेंगे तो रात वहीं पे गुजारेंगे और फिर कल आ जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं कल सुबह ही आएंगे और शाम से पहले पहले घर वापस आ जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी से घर वापस जाना है, जिसने पैसे देने हैं ना वो अभी तक आया ही नहीं, तो फिर पैसे लेते हैं फिर चलते हैं ऐसे ना मुजम्मल भाई। तो जब वो आएगा ना तो पैसे ले कर यहाँ से शूट हो जाएंगे। तो रास्ते में आपको रास्ता भी कहना यार, अब पहले तो ख़राब रास्ता था ना, इधर से जब आते थे हमारे टोल प्लाजा था धड़ावी टोल प्लाजा, वहाँ से आगे इनका इलाका शुरू हो जाता है तो वहाँ पे रास्ता ख़राब था। अब वहाँ पे मैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा रास्ता बना दिया, तो आपको दिखाता हूँ ऐसे जैसे दुबई के रास्तों पर आ गए, यूके साउथ अफ्रीका कहाँ कहाँ पर आ गए हैं। तो इतना साफ मेरे ख्याल में तो दुबई में नहीं होगा इतना साफ अब उन्होंने बना दिया। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है लेकिन यहाँ पर तरक्की नहीं है यार। ये चेक करें, रोडों के ऊपर ट्राले जा रहे हैं, यहाँ से गन्ने वाले ट्राले गुजर रहे हैं, इनकी तबाहियाँ उड़ा रहे हैं, इनके रोड डींगे चीबे हैं जो कि हमें नहीं अच्छे लगते क्योंकि यहाँ वहाँ नीचे होते 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 जाते हैं। इनका मैं आपको डेरा दिखाता हूँ, दिखाऊँ 1 2 3 दो, ये इनका डेरा। सफाई तो कर लेते, मैंने आना था, मैं इंटरनेशनल फेमस यूट्यूबर मैं हूँ और आपका ये साफ ही नहीं डेरा वगैरह जो भी है। कल की थी स्कूल। क्यों आज क्या? आज नहीं। आज स्कूल से भी छुट्टी थी, आपने कल लेनी थी, दूसरों ने नहीं की तो। मेरे तो एडी दी मैल जमी, मैं नाना ना हूं। मैं पहले ही कुछ कदी ना आ लिया कर। कदी ना आ लिया कर। इतों के बंदे नाते नहीं जी। नहीं। यहाँ के जो बंदे हैं वो नाते नहीं हैं, तो कभी ना आई लिया कर। भाई मुझे अकेला यहीं पे छोड़ के कहीं चला गया, वो घर का सामान लेने के लिए गया, तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी मामू जान को ना, मामू जान यहीं पे काम कर रहे हैं, वो ना दूसरा क्या राजगिरी का काम करते हैं, तो व्यापारी ने उन्हें भैंस मेरे ननिहाल ने बेची है, तो उन्होंने पैसे लेने थे, कुछ करना होगा यार। सब इंसान के साथ मसला मसाइल होते हैं, तो मैंने कहा बात धूप बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैंने कहा अंदर ही बना लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, तो मम्मी जान को पैसे मिल गए हैं, अभी वो देगा तो हम शूट मार जाएंगे यहाँ से। आपको कच्चे रास्ता में नहीं मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई साउथ अफ्रीका वाले रोड पर मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे छोटे रास्ते में मिलेंगे, सबर करो बोला ना, धक्का मुझे नहीं करने का। अभी यहाँ से कैमरा बंद करता है भी, जब साफ रास्ते में होगा ना, जब यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं होगी, यहाँ पे तो गन्ने वाले ट्राले गुजरते हैं यार, बहुत मुश्किल होती है गुजरने की। मैं मोटरसाइकिल भाई ने वाश करवाया, वो लेके आया हूँ, तो सारा गंदा हो गया था, पीछे नहीं गंदा हुआ हमारे रोड पे, तो जब यहाँ पे इस रास्ते पे आए ना इस रास्ते पे, तो मोटरसाइकिल गंदा हो गया, तो उसको साफ किया है, गट्टा मट्टा उसके ऊपर था, मट्टी वट्टी वो सब उड़ा दी है, मैंने साफ कर दिया कपड़े के साथ, मोटरसाइकिल अब लश हो गई है। तो नया मोटरसाइकिल हो तो बंदे मोटरसाइकिल को देखते मुझे भी देख लेते हैं कि यूट्यूबर आ रहा है। ननिहाल से निकल के रास्ता चेक करें, माशाल्लाह ये रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो पहले ही दिखा दिया, बाद में दिखाना था, पहले अपना चेहरा दिखाना था, तो अभी रास्ते में ही है, अब जा रहे हैं, 36 मिनट में पहुँच जाएंगे भाई, बहुत तेज़ आवाज़ ही नहीं आ रही होगी, तो अभी चलते हैं रास्ते ही।
सा ही रह गया। साईं माल अभी तो गढ़ का थोड़ा सा रास्ता रह गया, तो अभी बोल आ रहा हूँ आपको, वहाँ से आपको नारा लग जाएगा साईं माल यहाँ से कितना दूर है। अच्छा लेके जा रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ सही से आ सके। हम आपको ये चेक करें, यहाँ से आपने नारा लगाना है, यहाँ से साईं माल यहाँ से 26 किलोमीटर है। साईं माल से नज़दीक ही हमारा घर है, दूर नहीं। साईं माल हमारे से 10 किलोमीटर दूर है। साईं माल हमारे से 10 किलोमीटर, तो थोड़ा ही देर में हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। पटना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट सा खूबसूरत सा कट लगता है। यहाँ से जब उड़ते हैं ना तो मज़ा ही बहुत आ जाता है। अभी ना रोड ये भी बन गया है, तो अभी इस पर मज़े हैं। जब साईवाल से निकलते हैं तो यही रोड मिलता है, तकरीबन 20-15 मिनट में ननिहाल। अगर गाड़ी हो ना तो फिर तो भाई साहब 10-10 मिनट में ननिहाल पहुंच जाए, तो आधा घंटा 45 मिनट मोटरसाइकिल पे लग जाते हैं फुल स्पीड में, तो गाड़ी पे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो अभी यहाँ कलोनी चेक करें, यहाँ कलोनी कितनी कितनी जा रही है भाई साहब। तो ट्रैवलिंग लोग थोड़ा बनाते हैं, शक्लों का ज़्यादा बनाते हैं। आपको सामने में पूरी वाला ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ यार ना, ये सुबह हम जब घर से आए थे तब का खड़ा हुआ, ये टायर पंचर है कि क्या है। तो ये देखो सुबह तो खड़ा हुआ है, आधा रोड इसने माला हुआ है, आधा रोड इस घेरा हुआ है भाई साहब। आगे गाड़ी है, बचना है इससे, निकल गया। अभी हमने पटियाना चौक क्रॉस कर लिया, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बस्ताक चौक भी क्रॉस कर लेंगे, तो फिर उसके बाद कोई सफर नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद रावी दरिया आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं स्पीड स्पीड आगे से सिविक आ रही है, इंशाल्लाह ये लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह देगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह चेक करें। और उसके बाद करोला नहीं, करोला नहीं है, कोई और गाड़ी है, मुझे इसका नाम नहीं है। तो मोटे वालों की जैसे सिविक होने वालों की है, तो इसी तरह ये भी मोटे वालों की है। और आगे से बस आ रही है, आपने इसको चेक करना है किस तेज़ रफ्तार में जा रही है, तो नहीं खतरा होता। और उसके साथ ड्राइवर ड्रैवो भी आ रहा है, ड्रैवो नहीं मेरे ख्याल फॉर्चूनर है, ड्रैवो 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 ये ड्रैवो ये बस चेक करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, माशाल्लाह रोड चेक करें, ये रोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और चीज़ों में पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उनमें से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया रोड पे जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वो भी मुझे गाड़ी मेरे पास नहीं तो पसंद ही आएगी। और खटारा भी हो ना गाड़ी तो वो भी हमें पसंद आएगी, क्योंकि हमारे पास नहीं तो अभी नज़दीक साहब, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी खड़ी होती है, तो कहीं कैमरा ही ना मेरे हाथ में देख ले तो औली से गुजर जाते हैं आस्ते आस्ते से। आपको दिखाऊँ अगर पकड़े भी गए तो कुछ नहीं होगा, आपको साहब क्यों दिखाते जाऊँगा इंशाल्लाह। ये साहब क्यों हमेशा आगे भी ध्यान रखना है। तो ये हमने क्रॉस कर लिया है थोड़ी देर, और भी क्रॉस कर लिया गया से एक और सिविक आ रही, पहले आल्टो, उसके बाद बस, उसके बाद सिविक, उसके बाद किया स्पोर्टिंग, कि आगे पता नहीं क्या गाड़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे किया स्पोर्टिंग ये करोला आ रही है जिसके आपको करोला वैसा, और ये पीछे वैगन आ रही है। अब 30 किलोमीटर रह गया सही बार हमारे, तो हमारा घर भी नज़दीक ही है इंशाल्लाह। आपको सारा रास्ता नहीं दिखाना भाई साहब, बोर हो जाएंगे, ट्रैवलिंग लॉन्ग फिर हो जाएगा। यहाँ से शुरू साईवाल नहीं, आगे आ रहा है, आगे आगे साईवाल है, आगे 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 आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सही बात से उन्होंने इधर करा था जगह, माशाल्लाह साइडों से भी उन्होंने जगह कैसी बनाई है, जो साइकिल प्यारा तो
कर सकता, इसलिए उन्होंने साइड पे रोड बना दिया। हालांकि फैसलाबाद वालों ने नहीं बनाया, हम तो तरक्की कर रहे हैं, अगर कोई करे ना करे तो इंशाल्लाह रावी भी पहुंचने वाले हैं। रावी रावी दरिया के पास मैं ना सिवेक जा रही थी, सिल्वर कलर के सिवेक जा रही थी, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। अगर किसी सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट करनी हो तो कर सकता है, कोई बात नहीं, मैं रोकने वाला नहीं। होगी ना तो किसी सब्सक्राइबर ने अगर मुझे गिफ्ट करनी हो तो कर सकता है, कोई बात नहीं, थोड़े ही पैसों के 500-600 के तो सिवे कर गिफ्ट कर देना, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रमोशन कर दूंगा, आप मुझे सिवे गिफ्ट कर देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिवे मिलेंगे, ये भी टाइम ख्वाब है, ये पूरा करेंगे। आरिश डेरा जैसे अर तो लगा दी मैं, आरिश है ना उसका डेरा है, आरिश का यही नहीं समझना चाहिए, आरिश का डेरा है किसी और का डेरा है। से ना फिश मिल जाती है, फ्रेश फ्रेश फिश, ताज़ा ताज़ा, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर रात के यहाँ से ताज़ा, यह रावी दरिया के पुल है, इधर भी रावी, इधर भी रावी, पीछे पानी था क्योंकि वहाँ से गहरा है ना, तो पानी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी गहरा, इधर भी पानी खड़ा हुआ है, तो पुल इसका बहुत ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगता है। इसमें ना राड डाले हुए, लचक डाली हुई है ताकि कोई भारी चीज़ ऊपर से गुजरे तो ये गिर मत जाए, तो इसलिए इसके लचक डाली हुई। यहाँ से ना अभी आपको राशन दिखाता हूँ, ये गाड़ी है, तो ये आपको दिखाता हूँ, ये राड पर डाले हुए, ये आप गुजर गया हूँ, तो आगे भी एक है, वो भी आपको दिखाता हूँ, ये लचक डालने वाले हैं, वो मोटरसाइकिल का मीटर आ जाता है, ये वाले है, ये अभी सही से नजर आ गया होगा आपको, इधर से जैकेट वगैरह मिल जाती है आपको, ज्यादा सर्दी लग रही है तो घर से नहीं पहन के, तो इधर से ले सकता है। आगे टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पे सब कुछ मिटा दिया गया जो ऊपर लिखा हुआ था, अभी रंग करेंगे किया हुआ, फिर से कोई चीज ऊपर लिख देंगे या लगा देंगे, तो अभी यहाँ से भी कैमरा ऑन करके गुजरते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ नहीं कर सकता और आप मेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकते, बनी हुई है, तो अभी तो लाजक दास करते हैं।